हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 2 एंड चैप्टर नेम इज इनसाइड अर्थ। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, मतलब हमारी पृथ्वी जो है हमेशा का अर्थ और होम है। पृथ्वी जो है वो हमारा घर है, हम इस पे रहते हैं और इसमें हमेशा नवीन परिवर्तन, उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। कुछ हमें दिखाई देते हैं और कुछ हमें दिखाई नहीं देते। सो द अर्थ और होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। ये जो है वो एक बहुत ही डायनामिक, परिवर्तनशील और एक बहुत ही डेवलप्ड प्लैनेट है एंड इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर हमेशा कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होता है, कुछ परिवर्तन बहुत बड़े स्केल पर होते हैं और कुछ परिवर्तन बहुत छोटे छोटे होते हैं। So, have you ever wondered what lays in the interior of the earth? क्या आपने कभी आश्चर्य किया है या फिर कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब बच्चों को पूछते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ एक रबर की बॉल के समान है या रबर की बॉल के इक्वल है या फिर एक पानी बूढ़ी के जैसा है। लोगों को ऐसा लगता है अर्थ को देखकर गोल गोल ये ब्लू कलर का प्लैनेट है और अंदर से जो है वो एकदम खोखला है। कई बच्चे वो अभी तक इस पे भी कंफ्यूजन है या कई बच्चों को ये पता नहीं है या हो सकता है वे कंफ्यूज हो। ठीक है, तो अर्थ जो है हम लोग सभी अर्थ के क्रस्ट पर रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं। अर्थ जो है वो अंदर से पूरा भरा हुआ है और किससे भरा हुआ है वो कई मेंटल सीमा की लेयर्स है, उस बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो है पत्थर है, खनिज है, मिनरल्स है, फॉसिल्स है, कई चीजें हैं जो अर्थ के अंदर है। हम जो है वो अर्थ के ऊपर है और अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमें अर्थ पर बनाए रखता है और इसके ऊपर जो है वो एटमोस्फियर की एक लेयर है। ये है हमारा अर्थ होम लैंड। क्लियर? So the interior of the earth, अब चलते हैं interior of the earth के अर्थ के अंदर आखिर है क्या। तो just like an onion, ये प्याज के जैसा है। जैसे प्याज के छिलके नहीं होते ना, अलग अलग परते होते हैं, उनके अलग अलग लेयर्स होती है, उनका अलग अलग निकालते हैं और फिर यूज में लेते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के ऊपर एक और जुड़ी हुई परतें होती है। लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, एक के ऊपर एक, ठीक है, वन इनसाइड अनदर भी कह सकते हैं। तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक और एक के अंदर एक, ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, दो में एक ही लेयर्स है। सो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अब अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो फिर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट कहलाती है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। ये देखिए, ये है क्रस्ट, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जो थिन है, ज्यादा मोटे नहीं है। सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द इनसाइड अनदर, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट और द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये सभी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर, ठीक है। और ये जो लेयर इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है ये जो हमारे भूमि से जो है वो 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जो है वो ये फैली हुई है, 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल से, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल ऑफ 35 किलोमीटर एंड देन on the continental masses and only 5 km on the oceans floor. और 5 km ही है oceans जो crust है, ये ocean crust है, ये केवल 5 km ही इसकी चौड़ाई है ocean के अंदर। क्योंकि ocean जो एक big होता है, एक खड्डा होता है, उसके अंदर पानी होता है बहुत बड़े scale पर, तो वहां पर जो है वो केवल 5 km ही crust है। इसके बाद में आगे वाली लेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं। सो ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है मिलकर बनते हैं या संघटक है, मतलब मिलकर बनते हैं। जब
अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मिलकर एक नया घटक बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पत्थर बनाते हैं, एक नई रॉक बनाते हैं, एक नई सॉयल बनाते हैं, या वो भी एक लैंडमार्क बनाते हैं। तो इनमें जो द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर द सिलिका। तो ये जो क्रस्ट है उसके अंदर इसने कहा है, एक तो सिलिका है फर्स्ट, सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहते हैं। सो मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब ये सिलिको एल्यूमिनियम है, इट इज दस कॉल्ड सियाल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सियाल, एस आई ए एल, सियाल है, सी आर एस आई ए एल, सियाल, ठीक है, शॉर्ट कट है इसका। सो इट इज दस कॉल्ड सियाल, मतलब कि एस आई का मतलब होता है सिलिका और ए एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। एंड द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब ओशन क्रस्ट जो 5 किलोमीटर की है, इसके अंदर क्या होता है आप उसको? ये तो हो गया सियाल, सियाल के बाद में जो है वो मेन कंसिस्टेंट ऑफ द सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम ये दोनों मिलकर जो है वो ओशन क्रस्ट के अंदर। सो द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड द मैग्नीशियम, देयरफॉर इट कॉल्ड द सीमा। अब यहां पर क्या है? एस आई एम ए, एस आई एम ए, सिलिका मैग्नीशियम, तो सीमा, सियाल सीमा। क्लियर? ये एक आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा कि अर्थ की जो क्रस्ट है ऊपर वाली, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर पाई जाती है, कॉन्टिनेंट के ऊपर पाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर सियाल होता है, एस आई का मतलब सिलिका और ए एल का मतलब एल्यूमिना। और अगर आपको ओशन क्रस्ट के बारे में पूछा जाए तो ओशियन क्रस्ट के अंदर एस आई माने वापस सिलिका है और एम ए माने क्या है? मैग्नीशियम। क्लियर? एट जस्ट बेंथ ऑफ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सपेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 2009 किलोमीटर। इट इज द बेंथ ऑफ द क्रस्ट इज द मेंटल। अब यहां पर जो है ये क्रस्ट आ गया लिथोस्फीयर के अंदर, ये सारे इसकी जो है वो लेयर्स है और मेंटल जो है वो 2009 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट। क्लियर? सो द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है ना, ये इनर मोस्ट लेयर सबसे बीच वाली जो है, सबसे बीच वाली जो इनर मोस्ट लेयर है, ये बीच वाली परत है वो क्रस्ट है। अब इसके ऊपर भी एक कोर मेंटल बाउंड्री, देखिए ऊपर तो आ गया क्रस्ट, फिर आ गया लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर के बाद आ गया मेंटल, मेंटल के बाद आ गया मेंटल और कोर के बीच में आता है कोर मेंटल बाउंड्री। ये है कोर मेंटल बाउंड्री, ये सारी जो है ना, ये है कोर मेंटल बाउंड्री। और कोर मेंटल बाउंड्री के बाद में इसका जो इनर कोर के ऊपर वाला जो कवर है ना, उस ऊपर वाले कवर को कहते हैं आउटर कवर और अंदर जो है वो इनर कोर है। तो इनर मोस्ट कवर जो है, सो द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस, जिसका जो रेडियस है क्या है? रेडियस, इसका जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन, ये जो है वो निकल और आयरन से बना है। निकल एंड
आयरन। तो निकिल एंड आयरन, अब इसके अंदर क्या है कि द निकिल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफेन, इज कॉल्ड निफेन। तो इसको NIFE, अब आप कहोगे कि ये FE का सगेशन यहाँ तो IR है, तो क्योंकि इसको जो FE जो वर्ड आया है वो फरर्स है, FE डबल R R O S फरर्स से आया है, और इसका मतलब होता है आयरन। तो आयरन ठीक है, तो FE ले लिया तो नीफे, ये और ये इक्वली ठीक है, फरर्स और आयरन जो है दोनों एक ही है, तो निफे आ गया। तो पहला कौन सा आ गया, सबसे पहला आ गया था आपकी सियाल सीमा, और हिंदी में अगर इसको इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो ये जो है वो सियाल सीमा और निफे, ये निफे कहा जाएगा, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपको इसके अंदर के एलिमेंट और इसके जो है वो अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं मिनरल्स के, वो आपको पता चल जाएगा। द रॉक्स एंड द मिनरल्स जो है वो अपना अगला टॉपिक होगा, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, क्लियर। थैंक यू।